रहा है, स्कूल के लिए देर हो रही है, डांट पड़ेगी तभी मास्टर जी से। जल्दी से खाओ बच्चों लोग। अरे बच्चों को खाना तो पेट भर के खाने दे, खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या? पेट तभी ठीक से भरेगा जब ठीक से पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक से पढ़ेंगे, तुमने पढ़ लिख कर बड़े तीर चलाए हैं ना, सुबह शाम चूल्हा फूंक रही है। देखो जी, अपने बच्चों के लिए रोटी बनाना चूल्हा फूंकना नहीं होता, वैसे भी पढ़ाई लिखाई क्या सिर्फ नौकरी के लिए होती है? हाँ हाँ नौकरी के लिए क्यों होती है, अरे पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए होती है, तभी तो टर 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 सुबह चलाती रहती है सुबह से शाम तक। देखो जी, सुबह सुबह तुम मेरा माथा मत खाओ। तेरा माथा नहीं खाइए जी, तेरा माथा ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, मैं तो चाहता हूँ यहाँ, अब तू ये संभाल अपनी स्वर्ण माला को। ये वर्ण माला सिर्फ मेरी नहीं है, पीहर से उठा के नहीं लाई थी मैं इन्हें, जिम्मेदारी का वक्त आता है तो लगते है उलझने, ऐसे नहीं छूटेगा पीछा जिम्मेदारी से। तुम्हारी और तुम्हारी स्मरण माला की जिम्मेदारी में मैं तो पिस गया, अरे तुम ही संभालो इन्हें सबको। कौन पिस गया है ये तो भगवान भी जानता है, और हो गया तुम लोग का, जाओ जल्दी स्कूल। तूने क्या किया? मैंने तो अच्छे से पढ़ाई। तू तो कभी अच्छे से पढ़ता ही नहीं है। झूठ बोल रहा है माँ, ये झूठ बोल रहा है, कभी नहीं पढ़ता। संभाल के बच्चों। माँ पापा नहीं आए अभी तक? तेरे पापा का आने का वक्त नहीं हुआ है अभी। पर माँ सुबह का गया शाम को। शाम को नहीं लौटते, वो रात को लौटते हैं, और क्या पता लौटते भी है या नहीं। पहेलियाँ मत डालो माँ, तुझे मेरी बातें पहेली लगती है? ये तो हर घर में होता है, दिल पे क्या लेती हो? शाम का वक्त है, चलो खेतों में हवाते हैं, सैर भी हो जाएगी और खेत भी संभल जाएंगे। पहले अपने भाइयों से पूछ क्या खाना है, भूख लग रही होगी उनको। और मेरी भूख तो जैसे भूख ही नहीं ना माँ। तू लड़की है तो क्या आपको नजर नहीं आती? अपने माँ से जबान लड़ाएगी? पर माँ मैं प्यार भी तो आप ही से करती हूँ। अब बात ही मत बना, काम में हाथ बटा। रेशमा दरवाजा खोल रेशमा, मैं हूँ तेरा पति। अरे घबराती क्यों है, है? तुम हो इसलिए घबराती, नहीं खोलूंगी दरवाजा, वापस लौट जाओ, जाके कहीं और जाके मरो। अरे और कहीं जाकर क्यों मरो, हराम सादे, जब तू है मेरे लिए मरने के लिए तो मैं और कहीं जाकर क्यों मरू? नहीं खोलूंगी दरवाजा। नहीं खोलेगी साले, हैं? अरे तेरा ये कमजोर सा दरवाजा मेरी दरिंदगी के सामने क्या नहीं टूटेगा, हैं? नहीं खोलेगी। पहली बीवी को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, मैं तुझे भी जिंदा पहले क्यों बोला दरवाजा है? पापा। अरे जा बेटे देख, ये तेरे चाचा है, चाचा चाचा मतलब समझती है मैं, तेरी माँ के देवर। जा जा अपनी सौतेली माँ को बोल कि उसके देवर आए, इनके लिए पकवान शकवान बनाए। बनाने को कुछ है नहीं, शराब के लतने कुछ छोड़ा है जो परोस दूँ। अरे तू दो है ना। छी,
कैसे बातें करते हो तुम? हो भाभी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पति की सेवा कर अच्छी तरह से। क्यों दिलीप, तूने कभी किया शर्म? बोलता क्यों नहीं? पेशेंट मो, जाओ अपने घर। अपने घर भाभी, ये भी तो अपना ही घर है। अरे जहाँ भाभी वहाँ ताले की चाबी। भाभी भूख लगी है, कुछ हम बेशर्म को खाना वाना दे दो। शैतानों को परोसने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शैतान साली, हमें शैतान कहती है? अरे मेरे घर में कब्जा किए हुए और अब मुझे बेशर्म कहती है? उन्मुन, देखना जरा बेटा कौन है बाहर। कमाल है, रोशन लाल का दरवाजा सवेरे सवेरे लहराने लगा। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो मामा जी? ठीक हो, तू ठीक है ना? हाँ जी मामा जी। माँ, मामा जी, मामा जी, माँ, माँ, मामा जी आए हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक। हाँ तू कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसीलिए तो तेरी चिंता रहती है मुझे। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं भैया, आप आराम कीजिए, मैं लस्सी लेके आती हूँ। रेशमा भैया, कहीं से गिर गई थी क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी पीठ पर ये चोट के निशान कैसे? चोट भैया कल रात दरवाजे से टकरा गई थी। ये निशान दरवाजे के नहीं है। तो घर की ही होगी मामा जी। रेशमा अब तू अपने भाई से दर्द भी छिपाने लगी। मैं क्या छिपा रही हूँ भैया? और था ही क्या तेरे पास? मैं क्या जानता नहीं कैसे खपती रहती है तू रात दिन, और ऊपर से ये। भैया कुछ खास नहीं। तो सामान नहीं बता देती? कल रात घर में पापा देर से आए तो। बाबूलाल तू काफी दूर से आया, खाना खा ले। ये सब तो, ये सब तो क्या, ये सब तो चलता ही रहेगा है? फिर दिखाए तूने अपनी मर्दान के हरामजादे। भैया छोड़ दो इन्हें। भैया तुम आती हो? अरे छोड़, भैया गाली मत देना। अरे गाली खाने के लिए नहीं हूँ मैं। हम तेरी मार खाने के लिए हैं। उठा लकड़ी, मार खाने को। मैं उन्हें यहाँ पर बात मत बढ़ाओ भैया, समझो भैया। झाड़ती रहे इस कमीने के लिए रोटी दी राख। मुझको इसमें मैं देख रहा हूँ कौन मुझे रोकता है। अपने भाई को बुला ले, अपने चाचा को, ताऊ को, मामा को, फूफा को, जिसको चाहे उसको बुला,
मुझे कौन रोकेगा? मेरा घर है, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा, सब ले जाऊंगा मैं, सब। गुनगुन जेना ये बापू हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा है, बच्चे क्या मुझे तू विदा करेगी? अरे बात, चल रे बोतल पकड़ा। सब सब बेच दूंगा अब मैं इस घर में वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा, समझे? कहीं चला जाऊंगा। भैया समझाओ ना। मुझे भी पढ़ने दे, मुझे बहुत काम है, खुद ही समझ ले। समझा दो ना। तुम क्यों लड़ रहे हो? मुझसे पूछ लो, क्या पूछना है? पढ़ाई हो रही है बच्चों? माँ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। क्या माँ, दिन भर तुम धूप में काम करती रहती हो, आज तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। नहीं बेटी, तू पढ़ाई कर। मास्टर जी कह रहे थे लड़कियों का भी अपने पैरों पे खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का। ठीक ही तो कह रहे थे वे, नहीं तो आगे चल के ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी, मार खानी पड़ेगी मेरी तरह। मैं चाहती हूँ तू 12वीं में अव्वल आए, अव्वल। इसका मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म। मेरी बेटी। बहन, लोग कह रहे थे उनमुन के पापा बस स्टैंड पे दिखाई दिए थे। माँ देख कर आऊँ मैं पापा को? तेरे पापा की नुमाइश की चीज है, जा जाके पढ़ाई में मन लगा। कैसे तेरी स्कूल की फीस जुटाते हैं कुछ पता भी है? बस एक साल की बात और है। एक साल के बाद क्या लॉटरी लग जाएगी? एक साल के बाद मैं बड़ा हो जाऊंगा। और बड़ा होके अपने बाप पे गया तो? तेरे बच्चे होनहार है और आगे चलकर भी अच्छे ही निकलेंगे, निराश क्यों होती है? आस नहीं रखी मैंने किसी से, नहीं तो कब की मर जाती। यही तो जिंदा रहने का एक मंत्र है। तेरी हिम्मत की मिसाल देती है दुनिया। पानी दे दे से। अच्छा भाई, अब हम इसे हो गए, बाकी के सारे रिश्ते कहाँ खो गए? दहलीज लांग के तुम गए थे पीठ पे, और ना जाने कहाँ कहाँ दुख के निशान तुमने छोड़े। अगर ठोकर मारनी है तो सीधी तरह मार, ताने मत दे। संभल के।
जी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? मेरे वो कुछ। तुम्हारे? इसमें तुम्हारा तो कुछ नहीं है। हाँ, पिछली बार जब मैं बीमार हुआ था तो मेरे एक्सरे थे इसमें। अरे वो तो मैंने फेंक दिए, बेकार के थे। फेंक दिए, फिर भी ढूंढ लेता हूँ, शायद मिल जाए। जा सो जा, जा, जा। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, बेकार ही मेहनत किया है। चल तू सो जा, मैं भी सो जा। सो जाइए। अरे चाय बन गई माँ। हाँ बेटा, छोटू कहाँ है बेटी? वो तो सुबह सुबह गिल्ली डंडा खेलने चला गया। इतनी सुबह सुबह? पापू जी कहाँ है बेटा? सुबह से दिख नहीं रहे, कहीं चले तो नहीं गए? तुम तो बस शक ही करती रहोगी, उनकी ऐसी हालत है भी कि वे कहीं चले जाएं। तो फिर रात भर संदूक में मुंह क्यों मार रहे थे? तेरे संदूक में रखा ही क्या है? तेरे ही स्कूल की फीस और अनाज खरीदने के लिए थोड़े से पैसे, और क्या। माँ इस बार भी ठगी गई तुम। कितनी परीक्षा लेगा तू अब मेरी? ईश्वर किसी गरीब की कब सुनता है माँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ऊपर वाला मेरी पहुंच से बहुत दूर, बहुत दूर। कोई बात नहीं माँ, तू हिम्मत मत हार, हम फिर बस आ लेंगे अपने गृहस्थी। देखो वक्त का फेर, ये नन्ही सी जान मेरी माँ बनकर मुझे समझा रही है। हाँ बेटी। हाँ माँ, दीदी सही कहती है, हम अपनी गृहस्थी दोबारा बसा लेंगे। हाँ बेटा। क्या कर रहा है हमारे खेत में? जुताई कर रहा हूँ, अब तो ये खेत हमारा है ना। निकल बाहर। पुनमुन की माँ जमान संभाल के बात कर, अब ये खेत तेरा नहीं रहा, तेरा आदमी 2 साल के लिए बटाई पर दे गए हैं, और हाँ पैसे भी एडवांस ले गए हैं। नहीं यकीन हो तो घर चल, 4 आदमियों के सामने कागज पर लिखा हुआ दिखा दूँ। ये जमीन मेरी है, मैं ही संभालूंगी इसे। तेरी आंखें फूट गई थी क्या जब तूने उसे पैसे दे दिए थे? बच्चों के बारे में ख्याल नहीं आया, सोचा नहीं कैसे भरूंगी इनका पेट। बड़ा आया बटाई वाला, निकल यहाँ से। अब तुम मुझे कानून सिखाएगी? जा। जाती हूँ दारोगा के पास और पूछती हूँ, अगर कोई मर्द निकम्मा निकले तो औरत के लिए कोई रास्ता बचता भी है कि नहीं। पुलिस को तो तू रहने दे रोशन की बहू, तेरे आदमी ने जो पैसा लिया है वो तू मुझे लौटा दे और बदले में अपने खेत के कागजात ले ले, बस अब तो ठीक है ना। देखती हूँ कौन मेरी जमीन में हाथ लगाता है, मार डालूंगी उसे। और रही बात पैसे की, तो वो तो उसी से वापस ले। और एक बात, आज रात तक मुझे मेरे जमीन के कागजात वापस मिल जाने चाहिए। ये जमीन मेरी है, नहीं तो पुलिस को जाके रिपोर्ट लिखवा दूंगी, मुझे मेरे भाई ने दी थी। अब समझा, तेरा आदमी तेरे साथ क्यों नहीं रहता? कोई मर्द अपनी जवान बीवी और बच्चों को छोड़ के ऐसे ही नहीं चला जाता। खबरदार, निकल यहाँ से। शराबी कहीं का, दोबारा यहाँ पे दिखाई दे तो जमीन में गाड़ दूंगी। देख लूंगा एक एक को। हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। मैं भी तुझे देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम लोगों को जीने का और एक मंत्र सिखाती हूँ, साहस। अच्छा कौन बताएगा मुझे साहस कब पैदा होता है? माँ, जब इंसान सत्य की राह पे चले, ऐसा गांधी जी ने कहा था। पर माँ, हम भी तो सत्य की राह पर चलते हैं, फिर लोग हमसे बेईमानी क्यों करते हैं? हमारा तो सिक्का ही खोटा निकला। कौन सा सिक्का खोटा है माँ? तेरे बाबू।
उसने तो ये भी नहीं सोचा कि रेशम और उसके बच्चे खाएंगे क्या। प्रणाम आशा जी। अरे जीते रहो जीते रहो। बाबूलाल कैसे आना हुआ, इतने दिन कहाँ रहे? आओ बैठो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, आओ बैठो। मास्टर जी आपके लड़के के लिए अपनी भांजी का रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत ही नेक पढ़ी लिखी और समझदार है मेरी भांजी। बाबूलाल जब लड़की पढ़ी लिखी और नेक है तो फिर इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है। अरे चाचा जी आप। नमस्ते। जी तेरा कैसे हैं आप? मैं ठीक। और बेटा गांव छोड़कर यहीं बस गए? ऐसी बात नहीं चाचा जी, इस गांव में बिजली और पानी की समस्या कम है, इसलिए मैं पिताजी को भी साथ ले आया। बाबूलाल अब इस बुढ़ापे में इस बेटे का ही सहारा है ना। मास्टर जी। हाँ बोलो बाबूलाल, क्या कहना चाहते हो? मेरी भांजी एकदम गंगा है, लेकिन आपसे क्या छुपाना, इसका बाप एक नंबर का अय्याश है, शराबी जुआरी और चोर। कुछ साल पहले ही घर छोड़कर चला गया। मास्टर जी अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। अरे चाचा जी पानी तो लीजिए। धन्यवाद बेटा। बाबूलाल हमें लड़की के बाप से क्या लेना देना, हमें तो लड़की अच्छी चाहिए जो आकर अपना घर बार संभाल ले। तुम थके हुए हो गए, आज यहीं रुको, कल चलते हैं तुम्हारे साथ लड़की देखने। धन्यवाद मास्टर जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा इनको भी नमस्ते करो, ये धर्मचंद जी हैं। नमस्ते अंकल। आइए धर्मचंद जी, अपनी उनमुन बेटी के लिए आए हैं। आइए 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 धर्मचंद जी। मैंने सारी बात सच सच कर ली है, हैं? आगे इनकी और भगवान की मर्जी। बाबूलाल जी हाँ। बिटिया कहाँ है? अरे वो मुनमुन, अरे पानी लेके तो आ, ये कौन आया? ये है मेरी बेटी उनमुन। मेरा छोटा बेटा। लीजिए लड्डू खाइए। बहन जी हाँ मुंह मीठा कीजिए, हमें लड़की पसंद आए। बाबूलाल जी आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जय जय मंगलम पूर्णिकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ससुराल में इतनी खुशियां मिली तुझे मायके की कभी याद ही ना आए। क्या दीदी मेरी याद भी नहीं आएगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या पगले? आओ बेटे। बहादुर है, भगवान करे हर भाई को मेरी बहन जैसी दिलेर बहन मिले। मेरी दीदी भी बहुत बहादुर है ना। तेरी दीदी भी बहुत बहादुर है। चलो
अब रात हो गई है, सो जा, बहुत थक गए होगे। मुबारक हो बहन, शादी कितने अच्छे से निपट गई। हाँ निर्मला। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब तू क्यों आया है यहाँ पे? सारी जिंदगी चोरी रहा तू निपुते, जा चला जा यहाँ से। उसे पानी पिला दे निर्मला। गया वो? ऐसे खुशी के घड़ी में नाम मत ले उसका। जितने दिन भी रहा शराब पी के पीटता रहा, अब मेरी पीठ पे कोई निशान नहीं। निर्मला मैंने तुझे कहा था ना, जिंदगी जीने का एक ही मंत्र है, किसी से आस मत रखो, अपना सहारा खुद बनो।